गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 8 हिंदी के पाठ्य पुस्तक से संबंधित पाठ बड़े भाई साहब का प्रश्न उत्तर आप सबों के बीच लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो विद्यार्थियों, थोड़ा सा ध्यान बना करके सारे उत्तरों का अनुसरण करेंगे और साथ ही साथ अपने उत्तर पुस्तिका में इसे लिखकर अभ्यास करेंगे। तो टॉपिक का क्या नाम है बच्चों? बड़े भाई साहब। चलिए इनके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, लेखक के बड़े भाई अपने दिमाग को आराम देने के लिए क्या क्या करते थे? उत्तर, लेखक के बड़े भाई अपने दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के होशिये पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी ऐसे शब्द रचना करते हैं जिनमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य। प्रश्न संख्या 2, लेखक के भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा? उत्तर, लेखक के भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का ऐसा भयंकर चित्र खींचा जिसे लेखक को भयभीत कर दिया, वह घर भागते भागते बचा। प्रश्न संख्या 3, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। इस कथन को किसी एक उदाहरण से सिद्ध करें। उत्तर, बड़े भाई साहब एक स्थान पर उदाहरण देते हैं। उनके हेडमास्टर साहब जो ऑक्सफोर्ड से एमए हैं, लेकिन जब तक स्वयं घर चलाते थे तो रुपया 1,000 भी कम पड़ जाते थे, लेकिन जब उनके सामान्य समझ रखने वाले बूढ़ी माँ घर का प्रबंध करने लगी तो जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। वह बखूबी 1,000 में घर चलाकर घर को धन धान्य से पूर्ण कर रही है। घर में अब किसी चीज़ की कमी नहीं रह गई है। इस तरह कहा जा सकता है कि समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, बल्कि दुनिया देखने से आती है। प्रश्न संख्या 4, लेखक के बड़े भाई ने परीक्षा में सफलता के लिए क्या क्या किया? आप परीक्षा की तैयारी किस तरह या किस प्रकार करते हैं? उत्तर, बड़े भाई साहब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। वो परीक्षा में सफलता के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे। आसपास में होने वाले मेले तमाशा कभी देखने नहीं जाते थे। हॉकी, क्रिकेट आदि के मैच कभी नहीं खेलते या देखते थे। हमेशा किताब खोलकर बैठे रहते थे ताकि परीक्षा में सफल हो सके। प्रश्न संख्या 5, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदान बने? इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करें।